बच्चों वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ लिया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के अंदर दो केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी थी जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक्चुअल में नहीं थी, फिर भी हमने डिस्कस किया। दूसरा, नॉन मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी आपकी बुक में कुछ है नहीं, लेकिन हम ओरली उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी उसकी लिस्ट आउट करवा देता हूँ। जैसे कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड ये प्रॉपर्टी हम पढ़ के आए थे कहां पे, एसिड बेस के अंदर। जैसे हमने मेटल के लिए एक प्रॉपर्टी पढ़ी, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, वैसे ही नॉन मेटल के ऑक्साइड, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, मेटल के साथ जब एसिड प्रोसेस करेगा। अब एक्चुअल में जब कोई भी नॉन मेटल मेरे पास होता है, समझना बच्चों, क्या जब भी कभी मेरे पास कोई भी नॉन मेटल होता है तो वो एसिड के साथ कोई रिएक्टिविटी देता ही नहीं। इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। वो एसिड के साथ कोई भी प्रकार का रिएक्शन नहीं देता, क्लियर, नो रिएक्शन। तो हम उसको एसिड के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं ना कि भाई एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस डाइहाइड्रोजन गैस, बट एसिड प्लस नॉन मेटल गिव्स नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। सो उसको लेके हमने एक और बात भी कही थी कि जब कभी एसिड की प्रोसेस करवाते हैं मेटालिक ऑक्साइड के साथ तब हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही था ना कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब मैं बेस की प्रोसेस करवाऊंगा, जब मैं बेस की प्रोसेस करवाऊंगा तब नॉन मेटालिक ऑक्साइड, याद रखो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको रखवाया था, पता है H2O प्लस, जैसे कि मैंने कोई भी बेस ले लिया लाइक NaOH, समझना बच्चों, क्या कोई भी बेस मैंने ले लिया फॉर एन एग्जाम्पल NaOH, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा Na और CO3, माफ कीजिए उसका जो सॉल्ट है वो CO2 का, कौन सा मिलेगा Na2CO3, मींस एक ज्यादा ऑक्सीजन वाला कार्बोनेट या तो सल्फेट या तो जो भी आप ले रहे हो, वो सारी बात है, और साथ में वाटर लग जाएगा, क्लियर। तो ये चीज भी हम पढ़े थे, सॉल्ट प्लस वाटर, क्लियर, बेसिक थिंग थी ये सारी बातें, बेसिक थी जो हमने आगे पढ़ा। एक्चुअली में इसके बारे में कोई डिस्कशन है ही नहीं आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, फिर भी हम थोड़ा पढ़ रहे हैं। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख सकते हो आप नॉन मेटल की, दैट नॉन मेटल रिएक्ट विद डाई ऑक्सीजन गैस फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड, फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड, क्लियर ना। सिंपल एग्जाम्पल है मेरे पास लाइक C+O2 गिव राइज टू CO2, सिंपल। सो ये सारी प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन उसके बारे में हमें कोई डिस्कशन नहीं करना है, दिया ही नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी थी, खास वो डिस्कस कर ली हमने। टाइटल लगाइए आज का हमारा मेन टॉपिक, रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे पहले तो रिएक्टिविटी सीरीज है क्या, रिएक्टिविटी सीरीज फॉर मेटल आप कह सकते हो क्या, रिएक्टिविटी सीरीज फॉर मेटल। मेटल के लिए अगर मुझे रिएक्टिविटी सीरीज लिखनी हो तो वो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको एक्चुअल में फर्स्ट चैप्टर में ही याद रखवा दी थी, क्योंकि वो जो रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है कि किसी भी मेटल की रिएक्ट करने की जो एबिलिटी है उसको अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाऊं, क्लियर। सबसे पहले टॉप पे जो एलिमेंट है उसको लिखो, धीरे-धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओ, सॉरी धीरे धीरे वो क्या होता है, कम रिएक्टिविटी होती है, या तो इंक्रीजिंग में लिख सकते हो, क्लियर। तो मैं उसको एक प्रॉपर लाइन में डिवाइड करता हूँ, तीन टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ, एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, क्या एक मोस्ट, बच्चों ध्यान रखना इसको खास, क्योंकि इसके बेसिस पे हमें मेटालर्जी भी पढ़नी है, एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, उसके बाद मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट एंड देन आफ्टर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, रेडी। तीन पार्ट है, क्या मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट एंड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, उस पर इस सीरीज को हम तीन टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। तो सीरीज बच्चों आपको खास याद रखनी है, हालांकि याद हो गई होगी पहले चैप्टर में, जिन जिन बच्चों ने नहीं किया है वो याद कर लो, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज को लेके बहुत से क्वेश्चन बोर्ड के अंदर भी पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं, सॉरी सीरीज वाइज लिख देते हैं, पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले टॉप पे मैं मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लिख रहा हूं, क्लियर। ये पांच जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कहे जाते हैं, क्या
पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। उसके बाद धीरे 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 नीचे जाओ, वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, चलिए यहां तक जो है जिंक से लेके मर्क्यूरी तक वो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट कहे जाते हैं। रेडी, देन आफ्टर हम लिख सकते हैं सिल्वर एंड गोल्ड, ये जो दोनों है वो क्या कहे जाते हैं, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। क्या कहे जाते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। मतलब कि हम जैसे जैसे नीचे आते, देखिए ये जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये जो है वो कौन सा ऑर्डर है, ये जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। बच्चों ध्यान रखिए, कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी कि शुरुआत में जो ये ऊपर वाले जो है वो सब क्या होंगे, वो होंगे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। कौन कौन से आएंगे भाई, सोडियम पोटेशियम, माफ कीजिए, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। देन आफ्टर हम नीचे जाएंगे, वैसे वैसे कोई जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर, ये सब कौन से कहे जाएंगे, मीडियम रिएक्टिव। देन आफ्टर मर्क्यूरी सिल्वर एंड गोल्ड, क्या कहे जाएंगे, लीस्ट रिएक्टिव। रेडी, सो ये आ जाएंगे मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट और ये आ जाएंगे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, सो बच्चों ये जो है उसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत सारे किस तरीके से आते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। जैसे कि नॉर्मली पूछा जाता है मोनोडिस्प्लेसमेंट के अंदर, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि भले हमने इसको तीन टुकड़ों में डिवाइड किया कि ऊपर वाले सारे जो है मोस्ट रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव। बट याद रखना है आपको कि कोई भी एलिमेंट आप जैसे चूज कर लेते हो, जैसे मैंने कोई भी एलिमेंट चूज कर लिया, जैसे कि भाई फर्स्ट एलिमेंट मैंने कैल्शियम पकड़ लिया, तो कैल्शियम से नीचे वाला जितना भी एलिमेंट होगा, यानी कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, ये सब इनसे कम लेस रिएक्टिव है। मतलब कि एज कंपेयर टू कैल्शियम मैग्नीशियम भी क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। भले मैग्नीशियम एल्यूमिनियम दोनों मोस्ट रिएक्टिव में गिने जाते हैं, बट एज कंपेयर टू कैल्शियम, मैं कैल्शियम की कंपैरिजन करूं तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम क्या है, लीस्ट रिएक्टिव, सेम मींस लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू कैल्शियम। मैं पोटेशियम की बात करूं तो सोडियम भले दूसरे नंबर पर है, लेकिन उसकी कंपेरिजन में क्या होगा, वो कम। ओके, अब इनके जो क्वेश्चन आता है ना वो डबल डिस्प्लेसमेंट और माफ कीजिए मोनो डिस्प्लेसमेंट के डिपेंड पे आता है। किस तरीके से आते हैं मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए और अच्छी तरीके से आपको ये सीरीज याद करनी है। ठीक है, ये सीरीज ऐसे तरीके से याद कर लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए। सो बच्चों आपने मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा, याद करो उस टॉपिक को, क्योंकि उसको लेके हमें थोड़ी बात करनी है। मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या पढ़ा था हमने कि व्हेनेवर हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लोअर रिएक्टिव एलिमेंट इन एनी कंपाउंड। क्लियर भाई, जब भी कभी कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस बच्चों समझना इस बात को, डिस्प्लेस लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। यानी कि हायरली एलिमेंट जो है वो लोअर एलिमेंट जो है, लोअर रिएक्टिव एलिमेंट उसको क्या कर देगा, जब डिस्प्लेस कर देगा, जब हाईली एलिमेंट जो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा तब क्या होगा, ये रिएक्शन मोनो डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। और इसका मैंने क्यों जिक्र किया, एक एग्जांपल जैसे कि हम इसमें से ले लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल मैग्नीशियम लाइक रिएक्ट विद FeSO4 गिव्स राइज टू MgSO4 प्लस Fe, फॉर एन एग्जांपल समझ लो बच्चों। मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एज कंपेयर टू आयरन, क्लियर, क्योंकि मैंने आपको उसको भी बताया था कि जब भी कभी कोई एक अकेला एलिमेंट होता है उसको हम कोई कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, इस इलेक्ट्रो कोई भी कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं ना, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, ये जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है और ये जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, क्लियर ना। सल्फेट आयन होता है ना SO4-2, ये होता है भाई Fe+2 3 या 4, क्लियर। सो इसके बेस पे उसको डिवाइड करते हैं। सो जब भी कभी कोई हाईली माफ कीजिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट को डिस्प्लेस करने के लिए कोई दूसरा एलिमेंट आता है तो उसके पास उतनी ताकत होनी चाहिए जो क्या करे, इसको क्या करे, डिस्प्लेस कर सके, मतलब कि इस Fe को यहाँ से हटा सके। Fe को हटाने के लिए क्या चाहिए भाई, Fe को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Fe को हटाने के लिए
एफई के ऊपर वाले कोई भी हो, ये जितने यहाँ पे दिए हुए हैं, ये जितने भी यहाँ पे दिए हुए क्लियर सिंक तक, उनमें से कोई भी एलिमेंट अगर आगे प्रोसेस करेगा तो क्या होगा, तुरंत एफई वहां से हट जाएगा, तुरंत क्या होगा एफई वहां से हट जाएगा, मैग्नेशियम उसकी जगह ले लेगा। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं एक्चुअल में बोर्ड के अंदर, एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एक जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, समझना बच्चों क्लियर, ये एक मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने पानी भरा हुआ है, समझना माफ कीजिए एक कंपाउंड भरा हुआ है, इसके अंदर मैंने जैसे कि एक कंपाउंड भर दिया, यही चीज मैंने, चलो मैंने क्या भर दिया FeSO4, समझना बच्चों बहुत अच्छे तरीके से FeSO4, ये FeSO4 के सॉल्यूशन के अंदर आप एक्टिविटी बेस की ओर जाना चाह रहे हो तो आपको ऑथराइज ही कर देता हूं भाई, आयरन की जगह पे भाई मैं ले लेता हूं फॉर एन एग्जांपल ZnSO4, क्या ले लेता हूं Zn, ZnSO4 के सॉल्यूशन के अंदर मैं अगर आयरन की नेल डालता हूं, नेल नेल पता है ना खिली टाइप होता है नेल, क्लियर, सो वो नेल अगर मैं इसके अंदर डालता हूं तो क्या सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा एक्टिविटी के साथ बताइए, तो आपको क्या करना रहेगा भाई, जैसे मैं प्रोसेस करके देखूंगा, मेरे पास एक सॉल्यूशन था किसका ZnSO4 का, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, उसके अंदर मैंने आयरन डाल दिया, तो आपको अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी से चेक करना रहता है, आयरन जिंक से थोड़ा कम रिएक्टिव दिखाता है, क्लियर, सो रिएक्टिविटी दिखाता है, मतलब कि आयरन जो है आयरन वो जिंक की कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, और अगर वो जिंक की कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है तो ये आयरन इस जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना भाई, कम रिएक्टिव है लेस रिएक्टिव है, तो अगर ये कम उसको ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो सामने क्या आएगा नो रिएक्शन, और अगर नो रिएक्शन है तो नो कलर चेंज, क्लियर ना, नो कलर चेंज। और इसी के अंदर एक चीज और पूछी गई थी कि भाई जैसे कि यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन मेरे पास है, उसके अंदर मैंने एफई की जगह पे अब मैंने एल्यूमिनियम की नेल डाल दी, मतलब कि थोड़ा डाल दिया, क्लियर, तो वो क्या सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा, यस डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब मैं ZnSO4 के सॉल्यूशन में Al डालूंगा तो ये Al जो है इसको डिस्प्लेस डेफिनेटली कर पाएगा, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट जिंक की कंपैरिजन में क्या है हाईली रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम इसके साथ जुड़ जाएगा Al2SO4 thrice as compared to valency, हम जैसे लिखते हैं ना एल्यूमिनियम की वैलेंसी प्लस 3 सल्फेट की माइनस 2, साइन नहीं गिनी जाती, SO4 3 मतलब कि thrice और एल्यूमिनियम 2 मतलब कि Al2SO4 thrice प्लस जिंक जो है उसको सॉल्यूशन में बाहर निकाल देगा जो कि यहां पे बॉटम में पड़ा रहेगा, क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, और वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ती है रिएक्टिविटी सीरीज की, क्योंकि यहां देखिए यहां पे मैं बता पाया क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि आयरन है वो जिंक की कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, और यहां मुझे पता था कि एल्युमिनियम जिंक की कंपैरिजन में हायर रिएक्टिव है, सो ओनली हायर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लोअर रिएक्टिव एलिमेंट, सो वो चीज पता चलती है कहां से रिएक्टिविटी सीरीज में से, क्लियर, सो एलिमेंट को एक प्रॉपर अरेंजमेंट के तहत, क्या एलिमेंट को एक प्रॉपर अरेंजमेंट के तहत इंक्रीजिंग ऑर्डर से धीरे 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 धीरे, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव, या तो लीस्ट रिएक्टिव टू मोस्ट रिएक्टिव अगर हम लिखते हैं तो वो एक सीरीज बनती है जो उसकी रिएक्टिविटी के डिपेंड्स पे बनती है, कि भाई हाई रिएक्टिव जोरदार रिएक्शन कौन दिखा रहा है, ये तीनों जोरदार रिएक्शन दिखा रहे हैं, क्लियर, फिर धीरे धीरे नीचे वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती जाती है, और ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल मेटल हो गया ना सब, ये तो गोल्ड सिल्वर प्रोसेस करता ही, ये कोई पढ़ रहे थे ऐसे ही इनर्ट है, एक प्रकार का कह सकते हो, अब इनर्ट तो नहीं कह सकते लेकिन एक प्रकार का इनर्ट कह सकते हो, क्लियर, रेयर कह सकते हो, सो धीरे 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 जितने एलिमेंट में आप नीचे होते जाओगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है, सो ध्यान रखना बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज जो है टॉपिक वही बहुत काम का टॉपिक है, इसलिए बीच में अलग से मैंने ये लेक्चर छोटा सा बना दिया है जिसके अंदर आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पूरा देख लो, और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उसको खास स्टडी कर लो, आपके पास जो भी मटेरियल होगा उस मटेरियल के अंदर किस प्रकार के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए होंगे, ठीक है, सो अच्छी तरीके से याद रखना, और मैंने ये जो करवाया वो तो आप खास नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।